आदाब आप सभी का इस्तबाल है हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव फ़ोन इन सेशन में जिसे आप देख रहे हैं ए विद्या चैनल नंबर तीन पर और एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्ताल करती हूँ मैं रेणु भट्ट और अपने सभी देखने वाले नाजरीन तलबा तलबात को हम बता दें कि तीसरी जमात के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं उर्दू का सबक और ये एक कहानी है मौजू है तोते की चाला की कौन सा तोता क्या चालाकी कर रहा है या उसकी चालाकी से क्या असर पड़ा है ये आपको बताएंगे हमारे माहिर और विस्तार से आपको मालूम फराम कराने के लिए हमारे स्टूडियो में वो जुड़ चुके हैं चलिए उनसे मुलाकात करते हैं आप हैं मिस तरन्न जबीन आप जे पी एफ हैं सी आई टी एन सी ई आर टी से आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है बहुत शुक्रिया और इससे पहले कि हम ये लाइव सेशन शुरू करें बच्चों आपके मन में, में कोई भी सवाल आ रहा हो या फिर कुछ आप बात शेयर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन पर या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास थर्ड ऐट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो वहाँ पर जाकर आप कई प्रोग्राम आप एक्सप्लोर कर सकते हैं देख सकते हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे पहले कि हम ये लाइव सेशन शुरू करें बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया विल अज्यूम्ड इंडियाज़ will assume the G20 presidency and will convene the G20's leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudha Kutumbakam or we can say the whole world is one family. विदाउट वेरी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉमेशन लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं कहानी पर और इस कहानी पर आपको तफसल से मालूम फराहम कराएंगे हमारी माहिर तरन्नुम जी और हम उनकी तरफ रुख करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि तोते की चालाकी जैसे इसका जो म मौजू है बहुत ही दिलचस्प लग रहा है तो तोता क्या चालाकी कर रहा है हम आपसे जानना चाहेंगे आ, जी ये एक नहायत दिलचस्प कहानी है और एक तोते की कहानी है तोते की चालाकियाँ मशहूर हैं हमेशा से और कदीम ज़माने से हमारे माशरे में परिंदों को पालने का एक रिवाज रहा है कि अपनी पसंद के मुताबिक कोई तोता तो कोई मैना तो कोई बकरी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें एक पालने का रिवाज रहा है तो आज जो हम कहानी पढ़ेंगे इसमें हम एक तोते की कहानी पढ़ेंगे और एक सौदागर की एक सौदागर जो तोते तोता उसने पाल रखा है और वो उसकी कैद से किस तरह से आज़ाद होता है इसके बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सही वक्त पे हमें किस तरह से सही फ़ैसला लेना चाहिए और अपने जहन को हमें हर वक्त खुला रखना चाहिए तो आइए पहले हम ये कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद हम इससे मतलब कुछ अहम सवालत और कुछ लफ्ज़ों के मानी पे भी हम बात करते हैं तो पहले हम कहानी ये पढ़ते हैं उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं जी कहानी है तोते की चालाकी अरब के एक सौदागर ने एक तोता पाला था बहुत खूबसूरत और एक अच्छी आवाज़ वाला तोता सौदागर परिंदों की बोली जानता था और तोते से मीठी मीठी बातें किया करता था एक बार सौदागर हिंदुस्तान के सफर के लिए तैयार हुआ उसने अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछा उस मुल्क से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताएं आखिर में तोते की बारी आई तो उसने कहा मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है अलबत् मेरी कौम के लोगों को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए और मेरा हाल बता दीजिए उनसे कहिए कि मैं प्रदेस में हूं और आपने मुझे भुला दिया है किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है आप आज़ाद हैं और बाघों की सैर करते फिरते हैं मैं रात दिन वतन की और आपकी याद में तड़पता रहता हूँ उस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। सौदागर ने तोते की बात भी लिख ली जब वह सफ़र करते करते हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे तोतों का एक झुंड नज़र आया उसने अपनी सवारी रोकी और तोते का सलाम व प्याम पहुँचाया प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक आ, इन तोतों में से एक थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया सौदागर को बहुत अफ़सोस हुआ कि उसने ये पैगाम क्यों पहुंचाया। शायद ये तोता उस तोते का अजीज़ था इसीलिए सदमे से गिरकर मर गया अब वह क्या कर सकता था बात जो होनी थी वह हो गई उससे सवारी आगे बढ़ाई कुछ दिनों बाद सौदागर वतन लौटा तोते ने अपने तोहफे के बारे में पूछा सौदागर ने कहा इस सिलसिले में मुझे बहुत रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको सदमा उठाना पड़ा तोते ने पूछा सौदागर बोला पेड़ पर तोतों का एक झुंड बैठा हुआ था जैसे ही मैंने तुम्हारा सलामों प्याम पहुँचाया उनमें से एक तोते का बुरा हाल हो गया उसका दिल फट गया वह कप कपा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और ठंडा हो गया सौदागर के तोते ने जो ये माजरा सुना तो वह भी इसी तरह कप कपाया पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया सौदागर ये देख कर बहुत रंजीदा हुआ दांतों से उंगलियाँ काट लीं रोने धोने लगा और अपने आप को मलामत करने लगा हाय मैंने ये कैसी गलती की अगर मैं ये बात ना कहता तो क्या हर्ज होता सौदागर ने रोध होकर तोते को उठाया और पिंजरे से बाहर फेंक दिया तोता जमीन पर गिरते ही उड़ा और एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा सौदागर ने हैरान होकर पूछा ये क्या माज रहा है तोते ने कहा मेरी कौम वाले तोते ने मुझे सबक दिया था कि तू अपने मीठे मीठे बोल और प्यारी प्यारी बातें छोड़ दे अपने को मुर्दा बना दे फिर तू आजाद हो जाएगा ये कहा और उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रमाना हो गया। तो ये कहानी थी तोते की और उसके सौदागर की। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि एक तोते ने अपनी चालाकी होशियारी से किस तरह से अपने मालिक को बेवकूफ बनाया और उसकी कैद से आजादी हासिल की तो ये तो तरनम जी बात हुई कि क्या इस कहानी में रहा और कैसी कहानी रही अगर हम इस कहानी से सीख लेने की बात करें तो हम हमारे जो बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं जी और जी। तीसरी जमात के तलबा हैं तो वो क्या सीख ले सकते हैं क्या शिक्षा लें वो आ, एक इससे हमें एक ये शिक्षा मिलती है कि परिंदों को हमें ठीक है परिंदे आ, हमारे घर की ख़ूबसूरती को बढ़ाते हैं हमें अच्छा लगता है उनके साथ वक्त बिताना उनको दाने डालना हमारे घर की ख़ूबसूरती में इजाफा करते हैं हमें अच्छा लगता है दिल बहलाना लेकिन आ, परिंदों को क़ैद में नहीं रखना चाहिए और जिस तरह से हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं एक परिंदे की भी अपनी एक अलग दुनिया है आज़ाद फिजाओं में पेड़ों पे, अपने घर परिवार के साथ उनकी भी एक आज़ाद दुनिया है उनको भी आज़ादी से जीने का हक़ है और दूसरी बात ये कि हमें अपना जहन हमेशा खुला रखना चाहिए और सही वक्त पे हमको सही डिसीज़न लेना तो ये हमें एक अच्छा मैसेज मिलता है कि हम किस वक्त कौन सा फ़ैसला करें और किस वक्त हमें सही वक्त पे क्या काम करना चाहिए ये दो मैसेज हैं और भी चीज़ें हैं और इस इस सबक से हम और भी कुछ चीज़ें आगे हम सीख सकते हैं कुछ आ, और सवाल हैं। सबक से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे लेकिन बच्चों हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास आपके लिए कुछ मश्क हैं कुछ गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ है, हैं जो आप हमारे बच्चों के लिए आप लेकर आई हैं जिस चीज़ वो जी। उनके साथ साझा कीजिए जी बच्चों में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं लफ्सुमानी हैं मुहावरे हैं सारी चीज़ें हैं तो पहले हम बात करेंगे कि मुश्किल अल्फाज की कुछ मानी की ताकि ये कहानी आपको अच्छे से जाए कि आ, कुछ अल, ऐसे अल्फाज हैं इसमें आ, जिसका मानी बताना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले यह है कि सौदागर जो तोते का मालिक है सौदागर सौदागर किसे कहते हैं तो सौदागर हम एक तजारत करने वाला शख्स जो तजारत करता है दूसरों मुल्क, दूसरे मुल्क में जाके उसे हम सौदागर बोलते हैं खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज हैं तो ख़ूबसूरत हम अच्छी शक्ल वाले को अच्छी सूरत वाले को हम खूबसूरत लफ्ज़ से भी हम नवाजते हैं और एक लफ्ज़ है परदेस तो परदेस वह मुल्क जो अपना वतन ना हो मतलब जो हमारा वतन है उससे अलग हट के अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उसको हम परदेश बोलते हैं अपने मुल्क से अलग हट के कोई भी कोई भी देश वो हमारे लिए परदेश है रिहाई आज़ादी रिहाई मतलब आज़ादी अजीज अजीज़ मतलब रिश्तेदार जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं उसको हम अपना अजीज भी बोलते हैं और रिश्तेदार भी बोलते हैं ठंडा होना ठंडा होना मर जाना मरने के बाद जैसे जिसम ठंडा हो जाता है उसी तरह उसी के माने में ये इस्तेमाल हुआ है कि मर जाना मतलब जिसम जब मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है तो उसको हम इस लफ्ज़ से भी नवाज सकते हैं कि ठंडा हो जाना यानी मर जाना सदमा उठाना मतलब कि गमज़दा होना गमगीन होना दिल और दिल बैठना बहुत अफसोस करना यानी कि आ, कोई आ, ऐसी खबर सुन के जो हमारे आ, हमें बहुत सदमा पहुंचाती है तो आ, उसको हम बोलते हैं कि बहुत अफसोस करना बहुत ज़्यादा अफसोस करना मतलब दिल बैठ गया हमारा और रंजीदा होना रंजीदा होना मतलब गमगीन होना घुट घुट कर मर जाना तकलीफ़ उठा उठा कर मर जाना यानी कि बहुत लंबे टाइम तक, तक तकलीफ़ उठाना मतलब घुट घुट कर मरना है और इसमें इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे ग़ौर करने की हैं कि मतलब इस कहानी से हमें एक मेन चीज़ हमें क्या सीखने को मिलती हैं गौर करने की जो बात है तो उसमें यह है कि तोते ने तोहफे के बदले में दोस्तों को सलाम और प्याम इसलिए भेजा था कि उसे ये मालूम हो सके कि रिहाई कैसे हासिल की जा सकती है मतलब तोता पिंजरे में परेशान था और उसने तोहफे के बदले अपने मालिक सौदागर से ये बोला कि उसको उसका एक पैगाम पहुंचाना है ताकि उसको ये मालूम हो सके कि उसको रिहाई कैसे हासिल हो सके यानी कि उसने अपनी यहाँ पे मौके का सही फायदा उठाया और समझदारी से उसने काम लिया अब तीसरी बात यह है कि कुछ सोचने की बातें हैं सोची और बताने की बातें हैं ठीक है सौदागर किस मुल्क के सफर पर निकला था यहाँ पे कुछ बच्चों आपके लिए सवाल हैं आ, इस कहानी से मुतलिक और जो आपको कहानी पढ़ना है और सोचना है कि इस सवाल के हमें मतलब इस, इसका जवाब क्या होगा इस कहानी से ही हमें कुछ जवाब निकालने हैं सौदागर किस मुल्क के सफर पर निकला था तो यहाँ हमने कहानी पढ़ा और सुना कि सौदागर अरब का रहने वाला था और वो हिंदुस्तान के सफर पर निकला तो यहाँ इसका जवाब यह है कि सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए निकला था दूसरा सवाल है कि तोते ने अपने दोस्तों को क्या पैगाम को क्या भिजवाया था तो तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया था सौदागर के ज़रिए उसने तोहफे के बदले में अपना पैगाम भिजवाया था जो कि सौदागर ने उसके साथ दोस्तों को दिया आपने कहानी पढ़ी आपने देखा तीसरा सवाल है सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ इसका जवाब यह है कि सौदागर को तोते की कौम को उसका पैगाम पहुंचा कर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसके पैगाम देने से एक तोते की मौत हो गई थी जैसे ही सौदागर ने तोतों को उसके साथ ही तोतों को पैगाम दिया तो ये पैगाम सुनते ही उन तोतों के झुंड में से एक तोता गिर कर ज़मीन पर ठंडा हो गया तो इससे यह सौदागर को बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने ये पैगाम क्यों दिया और अगला सवाल है कि तोते की चालाकी क्या थी तो इससे साफ जाहिर है कि तोते की चालाकी क्या थी तोते की चालाकी ये थी कि उसका मा, उसके मालिक ने उसको क़ैद कर रखा था वो उस कैद से आज़ादी चाहता था और इसलिए उसने तोहफे के बदले अपना पैगाम भिजवाया और अपनी इस पैगाम के जरिए उसने अपनी रिहाई की तरगीब पाई उसको ये मालूम हुआ कि कैसे रिहाई हमें मिल सकती है और उसने तोहफे के बदले अपने पैगाम को भिजवाना जरूरी समझा क्योंकि वो उस कैद से रिहाई चाहता था इसके बाद भी कुछ सवाल हैं और कुछ सेंटेंस हैं जैसे कि सौदागर जैसे ये लिखा हुआ है सौदागर परिंदों की फिर डैश 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 जानता था तो यहाँ पे कुछ अल्फाज हमें यहाँ पे सही लफ्जों को यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है कि कौन से लफ्ज हम यहाँ पे रखेंगे लिखेंगे जिससे इस इस सेंटेंस को हम पूरा कर सकें जैसे ये है अलिफ सौदागर परिंदों की डैश, डैश 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 जानता था तो यहाँ पे ऊपर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि रिहाई तोहफा बोली सूरत थरथराकर अजीज तो यहाँ सौदागर परिंदों की तो यहाँ हम लिखेंगे कि बोली जानता था और फिर दूसरा है बे इस कैद से इस क़ैद से फिर डैश डैश की कोई फिर डैश डैश हो तो बताइए तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो बताइए तो यहाँ हम दो लफ्ज़ लिखेंगे कि रिहाई और सूरत इससे ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा फिर जीम है कि पैगाम पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक डैश डैश ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया ठंडा हो गया मतलब मर गया तो यहाँ पे हम खाली जगह पे यहाँ लिखेंगे कि थर पैगाम सुनते ही उन तोतों में से एक थर ज़मीन पर गिर गया फिर दाल है शायद ये तोता उस तोते का डैश डैश था मतलब अजीज़ था तो इन लफ्ज़ों में से हम यहाँ अजीज़ लिखेंगे तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा कि शायद ये तोता उस तोते का अजीज़ था तोते ने अपने डैश डैश के बारे में पूछा तो यहाँ पे हम लिखेंगे तोहफा तो इस तरह से हम कोई भी आ, कुछ भी आ, हम आ, सेंटेंस बनाना चाहें तो उसमें बीच में हम बच्चों को ये मश्क करवा सकते हैं कि उनको बीच में खाली जगह छोड़ देंगे खाली जगह छोड़ देंगे जिससे बच्चे उसको सोचेंगे कि ये यहाँ पे हम कौन सा कौन से अल्फाज लिखें जिससे ये सेंटेंस मुकम्मल हो सके तो इससे बच्चों की मश्क हो जाएगी उनको सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ हम यहाँ पे कौन सा लफ्ज हम लिख सकते हैं कौन से अल्फाज यहाँ पे सही होंगे तो यहाँ हम इस तरह से हम किसी भी किसी भी कोई भी कहानी हम दे सकते हैं बच्चों को और उसमें खाली जगह हम छोड़ सकते हैं तो ये बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी मशक़ है और जो कि इस कहानी में भी है और तमाम कहानियों में ऐसा होना चाहिए इसके बाद है कि इसके अगली मशक़ है कि इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए मतलब बच्चों को हम कोई भी अल्फाज हम दे सकते हैं कि इसका एक इसका जुमला बनाइए जैसे कि वतन वतन लफ्ज़ अगर हम दे दें और बच्चों से कहें कि इसको एक जुमला बनाइए आप तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा वतन है जी। तो इससे बच्चों को काफ़ी अच्छी इससे मशक़ हो जाएगी और कोई भी हम उनको कोई भी अल्फाज दे सकते हैं कि इससे एक सेंटेंस पूरा करिए तो जैसे कि वतन है ख्वाहिश है सबक है माजरा है सदमा है रंज है इस कहानी में कुछ ऐसे ये अल्फाज आए हैं जिनको हम बच्चों को ये हम कह सकते हैं कि इससे सेंटेंस बनाइए जैसे वतन है तो हम लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा वतन है जैसे ख्वाहिश है तो हम ये लिख सकते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़, पढ़ने जाऊँ और जैसे सबक हैं तो बच्चों आप लोग ये भी बना सकते हैं कि जैसे मैंने अपना सबक बहुत अच्छे से याद कर लिया जैसे आज मेरी मैम ने हमें ये सबक दिया है तो इस तरह से आ, हम अल्फाज़ों को जोड़ते हुए वो सेंटेंस हम मुकम्मल कर सकते हैं जैसे माजरा है मैं ये क्या माजरा देख रहा हूँ और जैसे सदमा है तो मुझे उसकी गलत बातें सुन के बहुत सदमा पहुँचा इस तरह के हम अल्फाज अल्फ, अल्फ, लफ्जों लफ को हम लफ्ज़ों से हम पूरा सेंटेंस हम बना सकते और हमारे बच्चे इस इन सभी तरह की मश्क से और इन एक्टिविटीज़ से अपनी उर्दू जबान को और बेहतर बना सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको बता दें तरन्नम जी हमारे पास तीन से चार मिनट का समय और शेष है ओके ठीक जी जी आ, कुछ और मश्क है हाँ, जैसे कि मुहावरे हैं आ, कुछ भी हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसमें मुहावरों का इस्तेमाल होता है जैसे कि पानी में आग लगाना अपना उल्लू सीधा करना और आंसू पोछना तो इस तरह के जो आ, मुहावरे हैं तो बच्चों को इस आ, बच्चों को इससे हम सवाल कर सकते हैं मुहावरे दे सकते हैं कि इसके मीनिंग बताइए जैसे आम जिंदगी में हम जैसे पानी में आग लगाना फितने को बेदार करना यानी कि कोई बहुत ज़्यादा किसी की शिकायत कर रहा है या कुछ इस तरह की बातें हैं तो उसको हम बोलते है पानी में तो इस तरह के हम बच्चों को मुहावरे देके उनसे मश्क करवा सकते हैं और इसके बाद है कि कुछ अल्फाज हम ऐसे दे सकते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों जैसे कि अजीज है जैसे कि सौदागर है जैसे कि सदमा है किस्मत है इस तरह के अल्फाज हम बच्चों को दे के उससे रिलेटेड और भी अल्फाज दे के हम बच्चों को पहचान करा सकते हैं कि इसमें से सही अल्फाज कौन से क्योंकि बोलने में बहुत सारे <coughs> बहुत सारे अल्फाज एक जैसे होते हैं लेकिन लिखने का अंदाज जो है वो बिल्कुल अलग होता है जैसे सदमा है तो उसमें हम स्वाद से लिखते हैं कि सदमा सदमा हम स्वाद से लिखते हैं और लेकिन यहाँ हम स, सीन भी यहाँ पे हो सकता है तो इससे हमको बच्चों को बच्चों आपको लफ्जों की पहचान होगी कि कौन सा लफ्ज कौन सा हर्फ कहाँ पे इस्तेमाल करना है तो इस तरह के हम एक दूसरे से मिलते हुए अल्फाज हम आपको दे सकते हैं और आप उसमें से पहचान कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा लफ्ज़ सही है और आ, आ, बहुत सारी ऐसे कि कुछ सेंटेंस हम कहानी के बीच में से दे सकते हैं कि किसने किससे क्या कहा और इस तरह से बच्चों को गौर करने का बच्चों आप लोगों को गौर करने का मौका मिलेगा कि कौन सा अल्फाज सौदागर ने तोते से क्या कहा तोते ने सौदागर से क्या कहा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ग़ौर करने को मिलेंगी और वाहिद जमा है वाद जम है जैसे कि वाहिद है किसी एक चीज़ को जैसे एक लड़का तो एक लड़का वो वाहिद है लड़के हैं तो वो जमा है बहुत सारे तो इस तरह के हम अल्फाज बच्चों को वाहिद जमा की पहचान के लिए हम आपको दे सकते हैं जिससे आप पहचान कर सकें कि वाहिद कौन है और जमा जैसे परिंदे हैं बातें हैं और इस तरह के अल्फाज तोते हैं तो एक तोता तोता बहुत सारे तोते तो कौम है तो एक कौम अकवाम दिल है बस एक दिल है दिलों बहुत सारे दिल तो इस तरह के हम बच्चों को मश्क़ के लिए आ, उनको आ, बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं ऐसी मश्क़ हम बच्चों को कराना चाहिए और आ, आप करिए इस तरह की मश्क और इससे हमें कहानी सीखने का मौका मिलेगा और लफ्ज़ों को पहचानने का मौक़ा मिलेगा और क्या मैसेज है और ये बहुत सारी चीज़ें हमें एक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें पढ़ना चाहिए जी बिल्कुल और हमें पढ़ना चाहिए बच्चों क्योंकि आप बहुत ही छोटी जमात में है छोटी क्लास में है और हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते जी, जी, हैं जी जी काफी कुछ जानना और सीखना चाहते हैं खुद ही कहानी बनाते भी जी, रहते जी, हैं। जी, जी, कुछ तस्वीरें भी बच्चों को तस्वीरें दिखा के कि, कि कौन, ये कौन सा जानवर है और इसका घर का जैसे शेर है वो कहाँ रहता है सांप कहाँ रहता है तो सांप बिल में रहता है और शेर कहाँ रहता है तो वो गुफा में रहता है तो इस तरह की बहुत सारी क्रिएटिविटी बच्चों के साथ करनी चाहिए ताकि पता चले कि ये कौन सा जानवर है कहाँ रहता है तो वो सारी एक्टिविटी उन लोगों को मालूम होनी चाहिए क्लासरूम में की जा सकती है। हाँ ये क्लासरूम में बच्चों के साथ की जा सकती है उनको तस्वीरें दिखा के और और इस तरह की जो कहानी आ जाए जो कि सुनने में भी बहुत दिलचस्प हो इसे क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है बताया जा सकता है बच्चों को ही चरित्र में ढाला जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, और अभी हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं इसे हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे लेकिन जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट तरन्नम जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे तीसरी जमात के तलबा तलबात को ये कहानी यानि कि तोते की चाला के बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी और हम ये सत्र यहाँ पे खत्म करें इससे पहले हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे एक बहुत ही जरूरी सूचना जो भारत की जी बी अध्यक्षता से जुड़ी हुई है वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलाटलिज्म इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वुड बी अ वाटर शेड मोवमेंट इन हर हिस्ट्री आज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग प्रागमेटिक